हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पुंज विथ यशके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख समझौता, और इसमें मैंने जनवरी से लेकर जून तक टोटल समझौता क्लियर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का समझौता है सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए। सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है बीजा सुविधाओं और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो ये किसके किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और इथोपिया के बीच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण और सड़क अवसंरचना के लिए आवास आदि का समझौता आदि पर समझौता ये किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच। और एक अभ्यास हुआ है त्रिपक्षीय अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए जो समझौता हुआ है वो बिहार सरकार और UNEP के बीच हुआ है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत बांध निर्माण के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मॉरिशस के बीच। और यहाँ पे मॉरिशस जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए। तो खेल एवं युवा मामलों में सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। और हमारे यहाँ के अभी हाल फिलहाल में खेल मंत्री कौन है? तो वो है अनुराग ठाकुर अभी हाल फिलहाल में खेल मंत्री बने हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और फिलीपींस के बीच। और भारत और फिलीपींस के बीच ये समझौता हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु। तो ये समझौता किसके बीच हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों का सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो सैन्य सामग्री और संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है इसरो और फ्रांस की एक कंपनी है CNSC इसके बीच समझौता हुआ है। यहाँ इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है बेंगलुरु में। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1969 में। और गगनयान मिशन के लिए टोटल खर्च कितना लगा है? तो 12,000 करोड़। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो इसमें भारत ने दो लोगों के साथ समझौता किया है, एक फेसबुक के साथ और एक क्लीन मैक्स के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीक सहयोग हेतु किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और जर्मनी के साथ। और एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने वाला कौन सा बैंक है? तो वो बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने CBSE के साथ भी समझौता किया है। और ये समझौता किस लिए हुआ है? 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए और 9 से 12। 6 से 8 क्लास के लिए क्या है? कोडिंग शिक्षा। और 9 से 12 में डाटा साइंस लाने के लिए ये समझौता हुआ है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। तो ये किसके साथ समझौता हुआ है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से समझौता हुआ है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो मंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा। तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन करने के लिए। भारत के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन करने के लिए यहाँ पे किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और एडीबी के बीच, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के बीच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो मास मीडिया के सहयोग के क्षेत्र के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? भारत और SCO के बीच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सतत शहरी विकास के लिए। सतत शहरी विकास के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे है लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच। और लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। और अभी हाल फिलहाल में धौलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो बंदरगाह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सर्वानंद सोनोवाल हैं, और संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो जी किशन रेड्डी हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट समझौता था वो मैंने करवा दिया, और सारे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि के लिए। तो आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। तब तक के लिए बाय।